मौजूद है सेक्टर 6 कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। आगे कंटिन्यू चलेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। कम से कम बन्ना बेटा के नाम शहीद तो हो जाएंगे। हमें ये मैडम नहीं चाहिए, जब से ये आई है हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, हम यहाँ से मैं लाश जुड़ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज हम नोएडा के सेक्टर 6 में मौजूद है नोएडा अथॉरिटी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैनर यहां पर लगा हुआ है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत पंजीकृत संख्या 9742। ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है। बताया जा रहा है कि करीब 4600 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानियाँ जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये लोग मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोगों से पूछते हैं कि इनकी परेशानियां क्या हैं और क्या कार्रवाई अब तक हो पाई है। आपका नाम बताइए। मैं राधे पारचा हूँ और यहाँ पर पिछले 30-40 साल से कर्मचारी हमारे कार्य कर रहे हैं और 30-40 साल से कर्मचारी कार्य कर रखे हैं, उनको ठेकेदारी प्रथा पर अभी तक रखा गया है और ठेकेदारी प्रथा पर चलते हुए भी उनको ई टेंडरिंग में लागू कर दिया है, जिसमें कि कभी भी इनकी सैलरी पिछले वेतन से कम हो सकती है। इन सभी को डर के मारे हमें हड़ताल धरना करना पड़ा है और पिछली बार भी कई ऐसे धरने प्रदर्शन करे हैं, पर नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट सरकार में भ्रष्ट अधिकारी बैठने के कारण अभी तक कोई कार्य पूरा स्तर से हुआ नहीं है, जिसमें कि हम नोएडा प्राधिकरण से दोबारा स्तर से मांग कर रहे हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा कर दिया जाए और हमें यहाँ नोएडा डायरेक्ट प्राधिकरण से जोड़ दिया जाए। देखिए, जिस तरह से कहा जाता है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कि अब जो है वो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी जो है उनको यहाँ नहीं रखा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिर भी जिस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस पर सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनुज चौहान है और मैं भूले विभाग में कार्यरत हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि ना ही तो संविदा कर्मचारी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई सुविधा दी जाती है, ना ही उनके परिवार वालों को कोई दी जाती है। बस सारा कार्य का बोझ जो है वो सब संविदा कर्मचारी के ऊपर है, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयज़ की यहाँ पे जितनी भी संख्या है वो बहुत कम है। इस कारण संविदा कर्मचारी जो है सारा काम देखते हैं, तत्पश्चात भी उनके साथ में इतना बड़ा मतलब षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको आज इतना लोग इकट्ठे हुए हैं और अभी और इकट्ठा होने की फिराक में है। इस प्रदर्शन में क्या महिलाएं भी शामिल हैं? बिल्कुल, महिलाएं भी पूरी लगभग 800 से 900 की संख्या है, जो महिलाएं भी शामिल हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो अन्य अन्य विभागों में कार्यरत हैं। अब तक कितनी सैलरी इन्हें मिल रही थी? क्या ये सैलरी बेस्ड है या ठेकेदार इन्हें पैसे देते हैं, मतलब क्या किस तरीके से है सारी चीजें? 2.5% होता था। क्या जो ठेकेदार सैलरी देता है हम लोगों को वो 2.5% अपना कमीशन काटता है। हम लोगों ने अथॉरिटी से बोला है कि हमारी 2.5% की तनख्वाह को जो 2.5% उसको जाता है कमीशन, वो अथॉरिटी उसको ना देके डायरेक्ट हमको सैलरी दे, जिससे अथॉरिटी को भी बचत होगी और हम भी अपना मन से काम करेंगे, इस तरीके के धरने नहीं होंगे। परंतु अथॉरिटी नहीं मानती है, अथॉरिटी बोलती है कि हम थर्ड पार्टी के माध्यम से आपको सैलरी देंगे, जिसके लिए इन्होंने ई टेंडरिंग की प्रक्रिया कर दी है और ई टेंडरिंग करके ये जैम पोर्टल से अपना वो करना चाहते हैं, जिससे कि सभी कर्मचारियों का उत्पीड़न है और इनका भविष्य पूरा खतरे में है। यानी जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं और जो इन्हें करना चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है और कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? मेरा नाम पांचु रावत है, मैं 35 साल से काम कर रहा हूँ। ये क्या करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ 2.5% के ठेकेदार हैं, ये अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, उनको 2.5% दिया जाता है, 18% जीएसटी दी जाती है। जैसे हमने इनकी मांग रखी तो हमारे 19 ड्राइवर जीत के आए कोर्ट से, मैडम ने क्या कर दिया कि ई टेंडरिंग कर दी सब पे। मैडम का नाम? मैडम का नाम रितु महेश्वरी। रितु महेश्वरी जी, क्यों हमारे यहाँ के, इन्होंने उस पर वो कर दिया। अब हमने इनसे कहा कर हम नहीं करेंगे, जो कुछ करना क्या है। मैं सरकार से भी ये पूछना चाहता हूँ, योगी से भी ये पूछना चाहता हूँ। योगी कहता है मैं रोजगार दे रहा हूँ, ये तो हम पे सड़क में ला रहे हैं, 35 साल से हमारी कोई सुविधा नहीं है। ये हमारे पास एक मरीज है, इतने साल से नौकरी कर रहा है, ये बीमारी, इसका कोई ऐसा कार्ड नहीं है, वो नकली कार्ड दिया जा रहा है, ये इनके आदमी है। उसके बाद सारी टीम है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, आशाई कर्मचारी संघ, संघर्ष समिति, तीनों पार्टियां एक हो गई हम, और हम लड़के रहेंगे, हमें वो एक ही मांग हमारी। तो ये प्रदर्शन जो है आज ही हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है? हमने नोटिस दिया इनको, तो मैडम ने 10 मीटिंगें रखी,
अब आ जाओ, हमारी बात सुनो, अब आ जाओ, मतलब रोज ऐसी गोलीबाजी कर रही है। अभी हमारे कार्यकर्ता ऊपर गए हैं बात करने के लिए, हमें ये चाहिए कि हमें संविदा पे रखो डायरेक्ट। जब योगी ये कहता है कि हम रोजगार दे रहे थे, काहे का रोजगार है? सही बात। कोई सरकार आई, मायावती सरकार आई, तब भी हमारे साथ में ऐसा हुआ, एक आदमी हमसे मारा गया हुआ, फिर दूसरी सरकार आई उसने भी हमारे साथ में ऐसा करा, अब हम कहाँ जाए सब? हमारा शोषण हो रहा है यहाँ पर लोगों का, और काफी सालों से लोग काम कर रहे हैं। 2022 का विधानसभा बेहद नजदीक है, नोएडा में काफी ज्यादा वोटर्स है, एक बड़ा जो तबका है वो वोटर्स का आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की समस्याएं जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, ये हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए कि 2022 का विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, आपकी रोजगार पर अब बनाई है, आपके पास नौकरी जो है वो आपकी छीनी जा रही है, ये मैं कह सकती हूँ कि छीनी जा रही है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे विलय किया जा रहा है पूरी तरीके से। मैडम जी, पिछले 30 साल हमको हो गए हैं नोएडा की सेवा देते हुए, 80 ड्राइवर हमारे हाई कोर्ट से जीत आए हैं केस को, लेकिन प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो लोग बिल्कुल भी इस बात को मानने के लिए नहीं है कि हम इनको परमानेंट करें या नहीं करें। प्राधिकरण की जो नीतियां हैं वो 2.5% के जो हम कर्मचारी हैं, अस्थाई जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हैं। ये कहती हैं सीओ मैडम अधिकारी कि भाइयों हम ई टेंडिंग करेंगे लेकिन आप लोगों को परमानेंट नहीं करेंगे। लेकिन रितु महेश्वरी जी तो कहती हैं कि हम अपनी पूरे नोएडा की जनता का ख्याल रखेंगी, नोएडा जो है वो खुशहाल नोएडा है, तो फिर इस तरह की दिक्कतें क्यों आ रही हैं? जिस टाइम पे यहाँ नोएडा में मैडम जी आई, उन्होंने आते ही कर्मचारियों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। चलो वो अच्छी बात है, 80 आदमी भी निकाल दिए और 80 आदमी उन्होंने निकाल दिए, चलो वो कोई बात नहीं, वो हमने रखवा लिए। लेकिन ये जो हम स्वच्छता जो कर रहे हैं, पहले जब मैडम जी आई थी तो 250 नंबर पीछे था नोएडा, और आज 11वें 12वें नंबर पे हमारे सभी समस्त कर्मचारी भाइयों ने मिलके उसको फाइट में लाने का काम किया है, स्वच्छता में ले जाने का काम किया है, साफ सुथरा बनाने का काम सीओ मैडम के हालांकि कार्यकाल में हुआ है। पहले भी हमारे कर्मचारी ईमानदारी से कार्य करते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोगों ने ही उसको साफ सुथरा और स्वच्छता में ले जाने का काम किया है। महामारी जैसी बीमारी में मेरे सुरक्षा सफाई कर्मचारियों ने जा के घर घर में सफाई की है, बहुत बीमारियों में उन्होंने जूझने का काम किया है, उसके बावजूद भी प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि इनको रोजी रोजगार मिल जाए, वो चाहते हैं कि इनको ई टेंडिंग में डाला जाए, इनका शोषण किया जाए। हम रितु महेश्वरी से भी जी से भी और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय आदित्यनाथ योगी जी, हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी किसी भी सूरत में इस 2.5% का जो कमीशन वेज इस नोएडा अथॉरिटी में चल रहा है इसको खत्म करवाते हुए हमको सीधा विभाग से जोड़ दिया जाए। हमको पिछले 30 साल हो गए हैं नोएडा प्राधिकरण को सेवा देते हुए। योगी आदित्यनाथ लगातार ये कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, रोजगार को लेकर वो 2020 में भी बोले थे और अब 2021 आ गया है। बताऊं समस्या कि मेरे पैर सूज हैं 6 महीना से, मैं अपनी जेब से कर्जा लगा लगा सीख करा रहा हूं, और मेरे वो मेडिकल होते ना मेडिकल कार्ड नकली बना के दे दिया ठेकेदार ने, भारतीय ठेकेदार है। अब साहब मैं कहाँ से कर्जा ले आऊँ? मेरे लड़के दोनों भीख मांगे हैं, दो लड़के हैं मेरे, तो मैं ये बात कर रहा हूँ मेरे लड़के कहाँ से भीख मांगे, मंजूरी पे उतरे परे जब मेरे इलाज कराया। समस्या ये है कि कोई भी स्वास्थ्य की सेवा नहीं दी हुई है इन लोगों ने, कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित किसी को कोई कार्ड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। देखिए इस कोरोना काल में आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, स्वास्थ्य जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की तर्ज पर उन्हें रखा गया है, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मी लगातार काम कर रहे हैं सफाई कर्मियों ने भी काम किया है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सराहना कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ ये क्यों हो रहा है, किसकी यहाँ पर गलती है, क्या परेशानियां हैं यहाँ पर? स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान भी झोंक कर यहाँ पे काम किया है, उनमें कई कर्मचारी शहीद हुए हैं जिनको प्राधिकरण की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं मिली है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 50 लाख रुपए का मुआवजा घोषित किया हुआ है कोरोना से जो प्रभावित मरे हैं, परंतु इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ये किसी कर्मचारी के फेवर में नहीं काम करना चाहते हैं, इनको सिर्फ सीधा ये है कि अपनी कुर्सी सलामत रहे और कर्मचारी बाढ़ में जाए,
तो आपसे अनुरोध यह है कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाई जाए। आप लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कोई ज्ञापन सौंपा है या नहीं सौंपा है? ज्ञापन हर जगह हमने दे दिया है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी दे दिया है और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के लिए भी दे दिया है। और जो जहाँ जहाँ भी लेटर लगते हैं, जहाँ जहाँ भी व्यवस्थाएं होती हैं, हमने अपनी खबर पहुँचाने का हर तरीके से प्रयास किया है। और उसके बावजूद भी अगर जो प्राधिकरण की नीति ठीक नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और लखनऊ भी जाके धरना देंगे और गुहार करेंगे। ये धरना शांतिपूर्ण ही रहेगा? ये शांतिपूर्ण ही धरना रहेगा, हमने हमेशा जब भी शांतिपूर्ण ही, भारी से भारी संख्या में होगा लेकिन शांतिपूर्ण में की धरना होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी हाथापाई या कोई भी तानाशाही या कोई भी हमारा कर्मचारी नहीं करेगा। अगर एक हफ्ते का हम तो शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, अगर एक हफ्ते तक शिव नीति महेश्वरी नहीं मानी तो चक्का जाम पानी शिविर बंद करूंगा। क्या है, मुझे जेल भेज दे, कहीं भेज दे, काम बंद, हड़ताल होगा एक हफ्ते बाद। लेकिन अगर आप चक्का जाम करेंगे, पानी सप्लाई बंद कर देंगे तो फिर आप लोगों की तरह आम जनता जो नोएडा की है उनको भी तो काफी परेशानियां हो सकती है। प्रशासन देगा, जिला प्रशासन देगा, प्रशासन देगा, हमने इनको आगाह कर दिया। हम लोगों को जो परेशानी हो रही है कि आम जनता हमारे साथ में है, हम लोगों को भी इतनी परेशानी हो रही है, इन सब अधिकारियों को समझना चाहिए ना। ये प्रदर्शन एक दिवसीय है या आगे भी चलेगा? आगे ये कंटिन्यू चलेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक विभाग से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी ने वहां बुलाया रितु महेश्वरी को, सीओ मैम को, उनने बोला कि जितना तुम्हारा कर्मचारी है वहां काम कर रहा है उनको सबको रेगुलर कर दो। तो सीओ मैम ने कहा मेरे यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है, जबकि 30-30 साल 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, इनको बुढ़ापा आ गया है। लेकिन सीओ मैम ने वहां जाके बोला मेरे पास यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है जिसे मैं परमानेंट कर दूं। सीओ मैम ने वहां कोर्ट में भी लताड़ा है सीओ मैम को कि क्यों नहीं है कर्मचारी 30-30 साल से यहाँ धरना। ये 4600 कर्मचारी है, ये रितु महेश्वरी जी को दिखाई नहीं दे रहे? जब रितु महेश्वरी आई थी, यहाँ आई थी, तो तब उन्हें रितु महेश्वरी ने बोला 2.5% है क्या? जब 2.5% आने लगा ठेकेदार से सीओ मैम को, तो जब उनकी आंखें खुली कि 2.5% ही है, तब की 30-30 साल इनकी उम्र देख लीजिए, इनको बुढ़ापा आ गया करते करते, अब ये कहाँ जाएंगे? ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबको रेगुलर कर दो, 3500 या 4100 4600 जो कर्मचारी है सबको रेगुलर कर दो और इनको विभाग से जोड़ दिया जाए। रितु महेश्वरी ने बोला कि मेरे पास कोई कर्मचारी वहां नहीं है, तो इनने जो बोला इनकी पोल अब खुली है, उनको लताड़ा गया है कोर्ट में कि तुम्हारे यहाँ 3511 कर्मचारी अब से 15 साल पहले वहाँ कोर्ट से वहाँ वो लिस्ट लगी हुई है कि हमको रेगुलर करा जाए, विभाग से जोड़ा जाए। लेकिन रितु महेश्वरी जी ने जो यहाँ दोगलापन खेला है कर्मचारियों के साथ, मैडम ने यहाँ पे सबको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। कोविड में जितनों ने भी ड्यूटी करी है उसे कोई सुविधा नहीं दी गई, नहीं सैनिटाइजर दिया गया, ना मास्क दिया गया, ना पीपी किट दी गई, कुछ नहीं दिया गया और ड्यूटी पर लगा दिया गया, उसकी कोई पूछ नहीं की, मर रहा है, जिंदा है, क्या है उसका कोई। दिल्ली से ज्यादा दूर नोएडा नहीं है, अगर नोएडा जैसे इतने पॉश एरिया में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अगर उत्तर प्रदेश के गांव में जाएंगे तो वहां पर किस तरह के हालात हो सकते हैं? इससे बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं, वो हम ही झेल रहे हैं उन हालातों को भी। ये तो नोएडा के कर्मचारियों का हाल है, आम जनता का क्या हाल होगा, ये तो आप देखिए। तो मेरे पीछे भीड़ आप देख सकते हैं, इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? समस्याएं लगातार बता रहे हैं कि इन्हें अब अपना रोजगार बचाना है, क्योंकि इनका रोजगार जो है वो इनसे छीना जा रहा है। देखिए, ये तो घर के पुरुष हैं जो घर चला रहे हैं, लेकिन महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी अपना घर चला रही है, यहाँ पर अपने बच्चों को छोड़कर अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ पर धरने में शामिल हुए हैं। किस तरह की दिक्कत है इन्हें, क्या परेशानियां हैं, इनसे जानेंगे। आपका नाम बताइए। राजेश। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है जी, इतने साल से 2017 से मैडम आई है, हम लोगों का शोषण कर रही है, हमें कोई भी सुविधा नहीं दे रही और हमें भी टेंडिंग पे डाल रही है कि 11 महीने में हमको निकाल देगी। हमारी 40+ उम्र होगी, हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर? आप क्या चाहते हैं? हम अपना सीधा विभाग से जुड़ना चाहते हैं, 2.5% को हटाना चाहते हैं, और क्या चाहेंगे। तो ये 2.5% वाला जो सीन है ये क्यों किया गया, क्या वजह थी इसके पीछे? ये अधिकारियों को पता है जी, हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो नौकरी कर रहे हैं 35 सालों से, हमारे बड़े, हम सब ऐसे ही जो जॉब करते आए, जो काम कराया गया है वो हम कर रहे हैं, जो नहीं कराया गया उसमें बैठे हैं। अब जब भी हम धरना प्रदर्शन कुछ भी चालू करते हैं, हम आश्वासन पर उठा दिया जाता, उसके बाद हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती।
जो सीईओ है, जो सीईओ ऋतु महेश्वरी जी खुद एक महिला है, क्या आप लोगों का दर्द नहीं समझती? नहीं समझती हमारा दर्द। हमारा दर्द समझे तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम ऑफिस में काम करते होते। आप सब इकट्ठा होकर गई हैं उनके पास, बात किया? हम मिलने का मौका ही नहीं देती। क्यों, क्या वजह है ना मिलने का? पता नहीं जी, वो क्यों नहीं मिलना चाहती। अच्छा, कोरोना काल में पड़गवार समझती हैं, या वो अपने आप में ज्यादा पढ़ी लिखी कुर्सी का उनके अंदर वो है। भाई हम देहाती समझती है तो गवार समझती है, क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए देहाती गवार जो भी वो समझती हूँ, लेकिन आप लोग तो अपने मेहनत कर रहे हैं ना इस कोरोना काल में, आप लोगों ने मेहनत की है। अगर मेहनत को समझती तो हमारा 2.5% हटता है, हमें ट्रेंडिंग पे नहीं डालती। तो आगे आप लोग आगे जो आप लोग इतनी भारी संख्या में बैठी हैं, आगे आप क्या करने वाली हैं? हम तो सीधे विभाग से जुड़ेंगे, हम तो और कुछ नहीं चाहते। ये प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। बच्चों को छोड़ के आई हैं? बिल्कुल, बच्चे जाएं, हम जेल जाएं या ऊपर जाएं, कम से कम बन्ना बेटा के नाम शहीद तो हो जाएंगे। क्या परेशानी है, क्या दिक्कतें, आगे क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? मैडम सीधा 2.5% खत्म होना चाहिए, जो करोड़ों का कमीशन खा रहे हैं ना ठेकेदार, वो खत्म हो के हमारे लोगों में मिलना चाहिए। 2002 से मेरे हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे, जाते जाते खत्म, और आप भी काम कर, और वो खत्म हो गए, उनके बदले में मुझे नियुक्त किया गया। और 2.5 साल से मैं भी देख रही हूँ, मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई है, सैलरी टाइम पे नहीं आनी है, 15-15 दिन बाद सैलरी आनी है, ढंग से अधिक मतलब कहीं हमारा डाटा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है ना, 2.5% खत्म करने का कोई मतलब है? ई टेंडिंग और ला रही है। आप ये बताइए, 40 साल हमारे हस्बैंड को हो गए यहाँ पे काम करते हुए, हमारे बच्चे हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, 18 से 35 साल की इन्होंने उम्र मांगी है, अगर 35 साल के बाद अगर हम लोग यहाँ से चले जाते हैं तो फिर हमारे हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी बताइए, कोई उम्र थोड़ी रह गई है। तो ये 2.5% खत्म होना मानता है मैडम, जरूरी है, और जरूरी भी है कि हम अपने प्रशासन के साथ लगे रहे, और ये इतने भाई बहन हमारे साथ बैठे हैं ना, हम इनके साथ ही हैं। आप लोग कितनी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हैं, परेशान हैं अथॉरिटी की तरफ? 4,600 लोग। महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं कम से कम 500 से ऊपर हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ ट्रेंडिंग खत्म होनी चाहिए, और हम ट्रेंडिंग के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, आप लोग कुछ बोलना चाहती हैं, आप लोग बोलिए, अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि हम लोग आपकी आवाज ही सुनाने के लिए आए हैं आवाम को। मैम हम ये चाहते हैं कि हमें इतने दिन हो गए नौकरी करते हुए कि ये मैम जिस दिन से आई है ये हमें ट्रेंडिंग में क्यों डाल रही है? तो आपने पूछा नहीं कि क्या वजह है, क्यों ट्रेंडिंग में डाल रही है हमें? कुछ पता नहीं क्यों हमें ट्रेंडिंग में डालना चाहती है, हमें 2.5% घटाने की बजाय और 2.5% को हटा दें तो क्या बिगड़ जाएगा, हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती। कितने महीनों से चल रहा है कि ट्रेंडिंग में डाला जाएगा आप लोगों? 1 साल हो गया है, इन्होंने 1 साल से हमारी जान को लगी हुई है, ये जब से ये आई हुई है जब से हमारे साथ इन्होंने कर रखा है, कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे हम? हमारे हमें ये मैडम नहीं चाहिए, जब से ये आई है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें कोई सुविधा नहीं। तो यहाँ पर आपने सुना, इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो सीईओ है ऋतु महेश्वरी वो इन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि जब से वो आई है तब से ही लगातार वो परेशान करती हुई नजर आ रही हैं। इतनी संख्या में जो कर्मचारी हैं, उसी यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे, क्योंकि अभी ये सीईओ ऋतु महेश्वरी जी से बात करके आ रहे हैं, क्या इन्होंने मांगे रखी है और क्या उस पर बात बन पाई है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सतवीर मकवाना, अखिल भारतीय सभा मजदूर संघ का जिला मंत्री। मैडम हम जब भी अंदर गए थे बात करने का, बात का कोई रीजन नहीं निकला, केवल हम लोग एक ही मांग हमारी, पूरी यूपी के अंदर संविधा लागू है, हर विभाग के अंदर हमें संविधा से जोड़ दो, विभाग ही संविधा जोड़ दो, कमीशन खोरी मोड़ से बंद कर दो, जो कि करोड़ रुपए उन मुनांदे में चले जाते हैं जो बेवजह साल में महीने में एक बार आते हैं और साइन करके 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं नोड़ा थोटी से, उनका कोई लेना देना नहीं। काम हम लोग कर रहे, अधिकारी हमसे काम करवा रहे, तो उनका क्या रोल है? वो रोल खत्म करवाना है, रोल तभी खत्म होगा जब हम विभाग की समिति से जुड़ेंगे। हमारे केवल इन कर्मचारियों के सब में सामने कहना है, हम केवल मैडम को एक टूक बात कह गए, अगर आप हमें विभाग से जोड़ सकते हो हम आपसे बात करेंगे, नहीं जोड़ सकते हम यहाँ बैठे धरने पर। क्या कहा फिर महेश्वरी? जोड़ने के लिए अपने धरने समाप्त करने से मना कर दिया कि हम ये लोग यहीं बैठे धरने पर, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, हम यहाँ से हमारी लाश तो जुड़ जाएगी, यहाँ में जेल भेज दो, हम जेल जाने तैयार है लेकिन यहाँ से उठने को तैयार नहीं हम लोग। तो यूनियन के महासचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि उनकी बात ऋतु महेश्वरी जी से हुई है, क्या वो मानी है, इनकी क्या परेशानियां हैं, और आगे जिस तरह की तस्वीरें आज मैं देख पा रही हूँ नोएडा अथॉरिटी में सेक्टर 6 में कि काफी संख्या में यहाँ पर कर्मी जो है वो मौजूद है, आगे क्या ये प्रदर्शन यूं जारी रहेगा? मैडम ये 35 सालों से हमारी लगातार मांगे चली आ रही है कि हमें सीधे विभाग से जोड़ दिया जाए, और इतनी बड़ी आउटसोर्सिंग कहीं पे भी नहीं चली है। आज
लगभग 4600 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर नोएडा प्राधिकरण में काम कर रहे हैं। 35 वर्षों की इतनी बड़ी आउटसोर्सिंग को खत्म करने के लिए हमने सीओ मैम से भी निवेदन किया था और आज एसीओ लेवल से भी जो है हमारी वार्ता हुई है। वार्ता में बार बार ये कहा गया है कि भाई ये हमारे हाथ में नहीं है, चेयरमैन साहब आएंगे तो उनके द्वारा जो आपकी बात रखी जाएगी, फिलहाल आप जो है धरना खत्म कर दो। हमने धरना खत्म करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि ये धरना जारी रहेगा, आपका अभी काम बंद नहीं करेंगे। चेयरमैन इतने साल हो गए हैं, सीओ जी ये कह रहे हैं कि चेयरमैन आएंगे तब बात होगी, चेयरमैन कब आएंगे कब बात होगी, इतने साल तो बीत गए। चेयरमैन साहब के लिए 11 तारीख का वक्त दिया उन्होंने, 11 सितंबर का, तो 11 सितंबर तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। अगर चेयरमैन साहब ने भी आके हमें सीधे विभाग से जोड़ने की प्रक्रिया चालू नहीं की तो फिर हम यहाँ पे काम बंद हड़ताल करेंगे। जितने लोगों से हमने यहाँ पे बात की है उन लोगों का सीधे तौर पर ये कहना है कि उन्हें मेडिकल सुविधा जो है वो नहीं दी जा रही है। सबसे पहला काम जो होता है किसी भी संस्था का, किसी भी अथॉरिटी का, अपने कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा देना है, लेकिन ऋतु महेश्वरी जी ऐसा नहीं कर रही है। खुद तो वो एसी में बैठी हुई है, मैंने सुना है कि यहाँ पे आप लोगों के कुछ लोग जो है वो गए हुए हैं। आप एक बेसिक बात समझिए, एक आदमी 25 साल से नौकरी कर रहा है, 30 साल से नौकरी कर रहा है, 20 साल से नौकरी कर रहा है, उसने अपना पूरा जवानी नोएडा को दे दिया, लेकिन आज उसको कहा जा रहा है कि तुम 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो, ये कैसा न्याय है? आप देखिए, संविधान हमको बराबरी का अधिकार देता है लेकिन एक ही विभाग में एक ही जैसा काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं या दूसरे दर्जे के कर्मचारी हैं। तो ये मेरे को लगता है कि समानता का, आप ये समझ लो कि समानता का जो अधिकार जो हर आदमी को मिलना चाहिए, जो संविधान में भी मूल अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अवहेलना हो रही है। हमें हम आज तक भी, आप सोचिए 20-25 साल नौकरी करने के बाद आज उस आदमी को, आप सोचो आदमी अपना करियर कब बिल्ड करता है, जब वो जवान होता है, जब वो यंग एज में आके वो लगा, उसने नाले साफ किए, उसने सफाई की, उसने मजदूरी का काम किया, उसने जो पढ़ना लिखना जानते थे उन्होंने टाइपिंग की, आपके लेटर ड्राफ्ट किए, आपके लिए नीतियां बनाने में सहयोग किया, और आज आप उनको कह रहे हो कि वो 11 महीने के लिए काम करें या 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, क्यों? नोएडा अथॉरिटी में मौजूद है सेक्टर 6 कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं सीओ ऋतु महेश्वरी से लगातार कॉल कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने की तमाम कोशिश की, लेकिन ऋतु महेश्वर जी जो चेहरा छिपाए अंदर बैठी है और बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब मीडिया अंदर नहीं जा सकती है, वो तमाम सवालों से बच सकती है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। ये जो यहाँ पर कर्मचारी है, ये जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, जिनकी उम्र 30 साल है, 40 साल से पर हो चुकी है, इन्हें अब कॉन्ट्रैक्ट बेस करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। हम लगातार ऋतु महेश्वर जी से ये पूछना चाहते हैं कि वो सामने क्यों नहीं आ रही है, क्यों चुप है, क्यों वो बात नहीं करना चाहती है, क्यों सवालों से वो बचती हुई नजर आ रही है। हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे क्योंकि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया हर एक सच्चाई अपनी जनता तक पहुंचाएगा। नोएडा अथॉरिटी में मौजूद है सेक्टर 6 कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। आगे कंटिन्यू चलेगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, कम से कम नोएडा के नाम शहीद तो हो जाएंगे। हमें ये मैडम नहीं चाहिए, जब से ये आई है हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, हम यहाँ से मैं लाश तो जुड़ जाएगी,